तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आज इसकी मॉर्निंग 11:56 पे हो रही है। तो अभी अभी इसको सुबह सुबह जो है गालियां पड़ी हैं, अभी इसको सुबह सुबह गाली तो अभी सुबह सुबह इसको जो है गालियां परेड चली हैं रज के, मतलब बहुत गालियां पड़ी हैं आज इसको सुबह जो इसने रात को कांड की है। तो बहुत तगड़े तरीके से आज इसको इसकी परेड हुई है जो ये रात को आपने देखा ब्लॉग में पिछले रात को 12 बजे जो बाहर घूम रहा, तो बहुत गालियां पड़ी हैं। तो अब बेचारा आराम से बैठ गया। तो फिर कैसी रात कैसी रही है मफ्तानी? तो फिर इतना जोर से काहे को चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबू राव का स्टाइल है। फिर से गालियां पड़ रही हैं इसको। फिर से इसको गालियां पड़ रही हैं। अब ये मुंह छुपा रहा है जी। मम्मी से गालियां पड़ रही हैं। अभी तो मम्मा से गालियां पड़ रही हैं, क्या कहना चाहिए? मम्मी पता नहीं से बाहर है। अभी अभी अच्छा इसको शक्ल का पड़ा है, शक्ल नहीं सही आ रही। मुझे ऊपर करना। क्या बोलती थी ना, देख के सुबह से गालियां पड़ रही है, कोई शर्म आया तेरे को? वैसे बता, सुबह से तेरे को गालियां पड़ रही है, कोई शर्म आई है कि नहीं? बोलो भाई, मारो मुझे, मारो नहीं, मुझे नहीं, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं क्या करो बोल लो। है बोल, ये व्लॉग आपका नहीं है, नाम चिया नहीं करो, व्लॉग हिट होना है। अच्छा नहीं तो जो तेरे को सुबह से गालियां पड़ रही हैं आज, जो तूने रात को कांड किया है, कितने बजे ना तू बाहर से कौन 12 बजे से बात है होनी, कड़ी जगह गया से 12 बजे से पहले भी कांड होता है। तो फिर जो सुबह तेरा कांड हुआ अब जो तेरे को अभी वो क्या कहते हैं गालियां पड़ रही हैं सुबह से, वो पढ़ने दो नहीं। तो फ्रेंड्स आपने देखा रात को मैंने ऐसे ही आया यहाँ पे चक्कर लगाने, तो देखा ये अपने बेड पे ही नहीं था, जीएमसी के बाहर घूम रहा था, चिप खाने गया हुआ था। मैंने जब इसको फ़ोन किया तो मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी बताऊंगा, तो इस व्लॉग में वो रिकॉर्डिंग भी मैं डालूंगा जो मेरी इसके साथ कन्वर्सेशन हुई है। मैं इसके बेड के पास खड़ा था तो मैंने इसको कॉल की, तो मैंने इसे पूछा कि हाँ सो गया? कहता हाँ बस अभी ग्लूकोज उतारा है तो अब सोने लगा हूँ, बस ओके गुड नाइट बाय बाय। तो मैं इसको यहाँ खड़े होकर फ़ोन कर रहा था, तो मैंने कहा तेरा बेड तो खाली है, तू कहाँ घूम रहा है? फिर कहता मैं एक कैंटीन, फिर मैं उस कैंटीन गया वो बंद थी, फिर कहता मैं दूसरी कैंटीन हूँ, दूसरी कैंटीन गया वो भी बंद थी, फिर ये लास्ट में जाके बाहर जीएमसी के गेट के बाहर से जाके मैंने इसको पकड़ के लाया। तो वो भी आपने पिछले व्लॉग में देखा था लास्ट में कि किस तरह से ये वहाँ से डेल से आ रहा था। तो आज सुबह इसको सबसे जो है गालियाँ पड़ रही हैं कि रात को तूने क्या किया है। तो आप बेचारा बहुत शरीफ होके बैठा हुआ है। किधर है? हॉस्पिटल लेटा हुआ है। सो गया अभी? नहीं क्या सोया हुआ था, जाग रहा है? नहीं नहीं सोया शोया नहीं था, बस अभी ग्लूकोज सुबह खत्म। अच्छा सब तैयारी है। डॉक्टर साहब आए थे? ना ना नहीं है। अच्छा है केड़ी जगह है? हॉस्पिटल ही हूँ। केड़ी जगह है? अभी बाहर आया ना। बाहर अंदर आया क्या? हाँ किधर आया तू? बाहर अभी अभी बाहर आया।
बाहर क्या लेने गया तू राती, तो पता नहीं है बाहर नहीं जाना। अबे अभी बाहर आया, नर्स को पूछ के बैंक अंदर दम घुटने वाला था, अभी तो बाहर आया, अभी तो पूछा। तो अब हम एक्सरे कराने जा रहे हैं, तो एक्सरे करा के फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी बहुत अच्छी बात, अभी ये प्रलोचन यहाँ कर रहा था इधर, ये देखो, ये देखो कैसे डांस कर रहा है यार, ये डांस कर रहा है। अच्छा अब बता क्या करना है। बता अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है अभी। तू समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो फुफारी के नहीं है। कि कौन सी गाड़ी, स्ट्रोम, कौन सी स्ट्रोम, टाटा, टाटा कौन सी है, बोल कौन सी फुफारी है, फुफारी नीचे हाथ करके बोल कौन सी, देखते हैं कोई लेंगे। A few moments later. तो friends अब शाम का 6:30 बज चुके हैं और क्या बोला तूने? शाम का 6:30 बज चुके हैं और अब मैं आ गया था न्यूज़ रूम में, क्योंकि कल भी छुट्टी मारी थी, तो कल भी न्यूज़ गोलू ने बोली तो आज मैं आ गया हूँ न्यूज़ के लिए। तो अब न्यूज़ बोलते हैं तो फिर चलते हैं हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल का जल्द से जानते हैं कि आज का दिन उसका कैसा रहा और डॉक्टर ने क्या कुछ कहा। ये इसके नाक में चार्जर डाल रही है। आज हम ओपनिंग करने आए हैं, आज हम ओपनिंग करने आए हैं, देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ का टेस्ट चेक करते हैं बीकानेर स्वीट्स का। राजौरी में पहला इनका आउटलेट है, तो हमने पाव भाजी का ऑर्डर किया, पाव भाजी टेस्ट करते हैं कचौरी, फिर आपको बताते हैं कि ये कैसा है इसका टेस्ट। ओरिजिनल कचौरी है, कौन सी दो भैया ने बनाता, हाँ राजस्थानी कचौरी भी है, पहले पाव भाजी का टेस्ट करते हैं, फिर अगर पेट में फिर से जगह बची तो फिर वो कचौरी भी टेस्ट करेंगे, तो आपको यहाँ का टेस्ट बताते हैं। तो ये तो फ्रेंड हमें अभी पाव भाजी में भाई ठीक है, सो टेस्ट है, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो फ्रेंड्स ये बीकानेर का गेवर स्वीट है जो बहुत ही टेस्टी और यमी है, जिसका प्राइस 500 रुपीज़ पर केजी है। हाँ ये कर लो पहले। फ्रेंड्स अभी का टाइम हो चुका है, 9:25 हो चुके हैं, तो वॉश नहीं खाना ज़्यादा जरूरी है क्या? पता सभी को वॉश नहीं, टाइम दिखाना जरूरी होता है। रात को जैसे 12 बजे तेरा दिखाया था। अच्छा तो अभी हम आ चुके थे डिनर देने, तो आज आज का दिन कैसा रहा? आज पूरी पूरा दिन तू टंगा रहा, गर्मी बहुत थी बस, हाँ गर्मी बहुत थी, फिर
कल जमानत है मेरी, कल इसकी जमानत हो रही है, मेरा वो पेशी होगी मेरा आज जट की पेशी है। तो फिर अब आप आज का दिन कैसा निकला आपका? बस ठीक है। डॉक्टर साहब आए थे तो लेके गए, बोले ठीक है। क्या क्या बोला? कल आपको देंगे रिहाई, कल रिहाई हो जाएगी। आप कल कल ये सभी जो पेशेंट हैं यहाँ पे गाना गाएंगे, तू जुदा हो या पर तेरी याद जुदा ना हो। और फिर और कोई और कोई यहाँ पे रुनके लगाएंगे हम। हाँ हमारे शिव भी आ जाते हैं यहाँ पे, रुनके लगाने को मिला हो जाता है। तू ब्लॉग शेयर कोई नहीं करता? नहीं यार, ये वाले ब्लॉग शेयर करेंगे अगले किस्म के ब्लॉग शेयर। तो ये वाले क्यों नहीं करेंगे? मैंने शेयर की पूंछ के हो जाने वायरल। पूंछ तेरे वैसे वायरल हो गया, मेरे फेसबुक पे ग्रुप जो पूंछ वाला था उसमें मैंने डाल दिया हुआ है, ये सिम सब तक पहुंच चुका हुआ है। तू अब अपनी फौज कर, फिर क्या। तो आज का ब्लॉग फिर यहीं ऐड करें? आज तो 12 बजे बाहर नहीं जाएगा, क्या कर रहे हैं 12। कल तो तू भाग गया हुआ था तो मेरे को झूठ बोलता कि मैं लेटने लगा हूँ, अभी ग्लूकोज उतार रहा है। तो फ्रेंड्स ये था आज दिन भर का व्लॉग। आपने देखा कि किस तरह से विलोचन को आज सुबह से लेके शाम तक सबसे गालियां पड़ती रही, क्योंकि वो कल रात को पता नहीं कितने 11 बजे से लेके 12 बजे तक बाहर ही घूमता रहा, मतलब इन्फेक्शन होने का डर रहता है, लेकिन इसको समझ ही नहीं थी। फिर आज जो इसकी मम्मा है वो इसके पास ही रहे, हॉस्पिटल ही रहे, तो आज ये वो पूरा दिन कहीं नहीं गया। और उसने वार्ड में जो हल्ला मचाया हुआ था, बस वहाँ 2-3 पेशेंट्स ऐसे थे जैसे आपने अभी छोटा बच्चा देखा कि वो किस तरह से आवाज़ें निकाल रहा था, इसी तरह से 2 और पेशेंट, एक विलोचन और एक और पेशेंट थे, एक आवाज़ एक कॉर्नर से आती थी, दूसरी आवाज़ दूसरे कॉर्नर से, मतलब इन तीनों ने सिग्नल रखा हुआ था, पहले एक आवाज़ निकालता था फिर दूसरा फिर तीसरा। जो तीसरे थे वो थोड़े ओल्ड एज थे, लेकिन फिर बच्चों के साथ वो मौजू मिला कर रहे थे, और अच्छा था। वार्ड का जो इनका ऑर्थोपेडिक्स का जीएमसी का वार्ड है, उसके पेशेंट्स और अटेंडेंट भी अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे, एक दूसरे के साथ बहुत मिक्सअप होके एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे थे, जहाँ भी जिसको भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो एक दूसरे की सपोर्ट वो कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा कि इस तरह का जो माहौल है वो हमारे जीएमसी रजौरी में बना हुआ है। तो आज आपने बीकानेर स्वीट्स भी देखी, बीकानेर का घेवर जो था बहुत ही टेस्टी और यमी था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जो मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 1K होने में शायद 30 सब्सक्राइबर रह चुके हैं, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी 1K करवा दो, फिर हम केक कट करेंगे 1K का। तो जल्दी से जल्दी जो है 1K करवा दो। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।